हिमाचल प्रदेश के इतिहास में संभवतः सबसे लंबे समय तक चली क्रमिक अनशन 432 दिन बाद खत्म हो गई। करुणा मूलक आश्रय संघ ने क्लास सी और क्लास दो में करुणा मूलक आधार पर भर्तियां की मांग को लेकर अनशन शुरू किया था। सरकार ने करुणा मूलक आश्रितों के लिए क्लास डी में भर्ती को मंजूरी तो दी, लेकिन क्लास सी में भर्ती की मांग अभी अधूरी ही है। बावजूद इसके करुणा मूलक संघ ने अब क्रमिक अनशन खत्म करने का फैसला ले लिया है। करुणा मूलक संघ के अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि सरकार ने क्लास डी में करुणा मूलक आश्रितों की भर्ती को अनुमति दे दी है, लेकिन क्लास सी में भर्ती अभी भी लंबित है। उन्होंने कहा कि सरकार ने क्लास सी में भर्ती करने से इनकार कर दिया है, ऐसे में अब करुणा मूलक संघ के लोगों ने क्रमिक अनशन को खत्म करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अभी भी उन्हें उम्मीद है कि सरकार चुनाव के बाद एक बार फिर क्लास सी में भर्ती को लेकर विचार करेगी, ताकि करुणा मूलक आश्रितों को राहत दी जा सके। जी सर, आज 432वां दिन आपके हड़ताल का आज खत्म करने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या आपकी डिमांड? आज करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश को जो है 432 दिन करुणामूलक जो भूख हड़ताल चली हुई है, क्रमिक भूख हड़ताल, उसको हो चुके हैं, लेकिन सरकार के द्वारा सिर्फ अभी जो है क्लास डी की नियुक्तियां हेतु जो है तीसरी बार जो है एक नोटिफिकेशन जारी हो गई है कि जो क्लास सी से डी चेंज करने वाला हो वो जा सकता है। और क्लास सी के लिए सरकार ने साफ तौर पर जो है एक मना कर दिया है। जो 5% की सीलिंग है, जो 5% कोटे से जो पद भरे जाते हैं करुणा मूलक के लिए, वैसे ही 5% चलेगा, उसमें कोई भी छूट देने के लिए सरकार ने मना कर दिया है। और जो पोची के बाहर जा रहे हैं 62,500 की शर्त में, जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि पोची संशोधन होगा, क्योंकि हाल ही में छठा वेतन आयोग भी ऑलमोस्ट लग चुका है, बहुत से हमारे परिवार जो है पोलसी के बाहर जा रहे हैं, उनके लिए भी रात भरी खबर नहीं है। उसके लिए भी सरकार ने ये मतलब ये आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में हम जो है इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन जो है इस पोलसी में संशोधन करेंगे, क्योंकि अभी आचार संहिता के कारण समय बहुत कम रह चुका है। इसलिए हमने सरकार से निवेदन किया कि अगर सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकती है तो एक बार फिर जो है डी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दे, और कम से कम 10 अक्टूबर तक जो है इसकी अंतिम तिथि बढ़ाई जाए, ताकि जितने भी हमारे परिवार है वो आचार संहिता से पहले पहले जो है नियुक्तियां हो सके और ज्वाइनिंग कर सके, जबकि सरकार ने 7 अक्टूबर तक हमारी मांग मान ली और क्लास डी में जो है सी से डी में जाने वाले जितने भी करुणामूलक परिवार है वो शिफ्ट कर सकते हैं और क्लास डी में नियुक्तियां ले सकते हैं। और क्लास सी में अभी सरकार का मतलब जो है वही रवैया, अड़ियल रवैया है, साफ तौर पर मना कर दिया है, जबकि हमारा ये संघर्ष का 432वां दिन है और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। जहां तक मुझे लगता है कि ये जो हमारी क्रमिक भूख हड़ताल है, इसमें हमने सर्दियां, गर्मियां या फिर बरसात, सर्द ऋतु, भारी बर्फबारी, आंधी तूफान, सब कुछ हमने हर चीज से सरकार के साथ साथ लड़ाई की, लेकिन ये जो हमारा संघर्ष है हमेशा मतलब एक रिकॉर्ड तौर पर लिखा जाएगा। और सरकार से निवेदन है कि ये जो क्लास डी में आपने नोटिफिकेशन जारी करी है, इसमें जितने भी करुणा मूलक सी से डी शिफ्ट करेंगे उनके लिए जो है जल्द से जल्द प्रोसेस हो, और ताकि ये परिवार जो है 8-9 तारीख के आसपास जो है नियुक्तियां हो सके, ज्वाइनिंग कर सके। तो क्या 432 दिन तो आपको हो गए अभी तक तो इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। अब डिपेंड करता विभागों के ऊपर, क्योंकि इस टाइम मैक्सिमम डिपार्टमेंट जो है इस टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ दो हमारे विभाग बचते हैं, एक जल शक्ति विभाग जिसमें 372 केस पेंडिंग है, और एक सीएस के जो यूनिवर्सिटी पालमपुर में है उसके 80 केस पेंडिंग है, जबकि 372 जो जल शक्ति विभाग के केस पेंडिंग है उसमें सरकार ने जो है वन टाइम तो किया है, लेकिन वहां पर विभाग में जो पद है पीएन और चौकीदार के वेकेंट नहीं है, वहां पर जो पद खाली है वो सिर्फ जूनियर हेल्पर के उसमें से जूनियर हेल्पर प्लस चौकीदार के हैं, लेकिन डिपार्टमेंट का कहना यह है कि जब तक वित्त विभाग से फाइल वापस नहीं आती हम इसके ऊपर एक्शन नहीं करेंगे, जब तक वित्त विभाग लिखकर नहीं दे देता कि इन जो वेकेंट सीटें हैं इनको भर दिया जाए एक साथ, तब तक जो है हम इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करने वाले हैं। जबकि सीएसके यूनिवर्सिटी में 80 केस पेंडिंग है, और उसमें जो है एक विभागीय तौर पर मतलब जो घोटाले हुए हैं वो भी सामने आए हैं, क्योंकि उसमें जो है पिक एंड चूज के माध्यम से लोगों को रखा गया था, 2006-07 के लोग इंतजार कर रहे हैं, 2014-15 के लोग जो है नियुक्तियां हो चुकी हैं, लेकिन इस टाइम वहां पर मेन दिक्कत ये आ रही है कि वहां पर जो है कैडर लिमिट जो है 250 है, लेकिन सीएसके यूनिवर्सिटी जो है 250 प्लस स्टाफ चला गया है, 250 और उसमें से 151 इन्होंने जो है अलग से भर दिए हैं। इस टाइम 250 की कैडर लिमिट होने के बावजूद भी जो 400 के आसपास जो है इस टाइम स्टाफ चला हुआ है, हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग जो है अभी हाल ही में 6 तारीख को होने वाली है। चुनाव में कोई असर देखने को मिलेगा क्या जी? अभी तो जितना सरकार ने
ने हमारे लिए किया है, बहुत किया है। और सरकार से एक आस थी हमें कि हम क्लास सी और पॉलिसी संशोधन को लेकर जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा निराश होकर लौट रहे हैं। आज जो हम क्रमिक भूख हड़ताल को यहीं से समाप्त करने का ऐलान करते हैं और सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जो क्लास डी में नियुक्तियां जारी मतलब नोटिफिकेशन किया उससे ज्यादा से ज्यादा जो है पद हमें दिए जाएं और आने वाले टाइम में जो है सी के लिए जो है आप सिलेक्शन जो है सरकार कुछ न कुछ सोचे और पॉलिसी संशोधन के लिए जो है जितने 2500 परिवार हमारे बाहर जा रहे हैं उन परिवारों का वोट बैंक तभी मिलेगा जब सरकार जो है हमारे लिए कुछ सोचेगी।